तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक हो। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे तमाम बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हर सतह पर हम आगाही मुहिम शुरू करें, जिसमें बच्चों बड़ों को हर सतह पर सेमिनार मुनक्किद किए जाएं, जिनमें बताया जाए कि हसूल पाकिस्तान के मुहर्रिकात और अवामिल क्या थे, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी जदोजहद की है और इसके पीछे क्या जज्बा कार फरमा था। मैं इस सबसे पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाइए। इन दुआओं के साथ ये पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। सोबी मुस्तफा, लंदन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है कि ये खुशियाँ आप नहायत ही जोश खरोश के साथ मना रहे होंगे। इसके साथ ही राना जुल्फकार और उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारक, न सिर्फ जश्न आज़ादी की बल्कि इतना अच्छा काम आगे लेके चलने की, जो कि दुनिया भर की पाकिस्तानियों की आवाज़ बन रही हैं। पाकिस्तान के बेस्ट विशेष के साथ सुबह मुस्तफा फ्रॉम लंदन, इजाज़त, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह आज हम बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं, लेकिन आज ये अहद का दिन भी है। हमने एज ए पाकिस्तानी एक कौम बनना है, इस मुल्क की तरक्की, इस कौम की तरक्की के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना है। अफजल यूपी, DMH न्यूज़ और न्यूज़ सिटी की जानब से तमाम अहले वतन को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक। DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुलरहमान यूबी और आज मैं पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम जिस आज़ाद और फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत, मुशक्क़त और बेशुमार कुर्बानी का समर है। आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि जब मेहनत करेगा पाकिस्तान, तभी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाय, अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अबू बकर और मैं आप सबको इस जश्न आज़ादी के मौके पे इंडिपेंडेंस डे मुबारक कहता हूँ। और बिलाल भाई, दिस शाउट आउट गोज़ टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, थैंक यू। जश्न आज़ादी हमें धूमधाम से मनाना चाहिए और दिल से मनाना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ना बनता, हम में से कोई मोची होता, हम में से कोई लड़ाई होता, छोटे छोटे हम काम कर रहे होते और हिंदू की गलती जिंदगी का और उसकी थर्ड फ्लाइट का शिकार होता, तो हमें उस आज़ादी का मफहूम समझना चाहिए कि हम काम करने में आज़ाद हैं, हम अपने मस्जिदों में जाने में आज़ाद हैं, हम अपने गिरजाओं में जाने में आज़ाद हैं, हम पूरी आज़ादी को सही फील करना चाहिए। और मैं कहता हूँ पूरे दिल और जान के साथ जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। और एक चीज़ का ख्याल रखें, परचम की जो है वो उसकी तोहीन ना हो, परचम अगर गिरा हो तो उसको उठा दीजिए और 14 अगस्त के बाद परचम को उतार के तय करके उसको लपेट कर रख दीजिए, परचम की भूरम की मत कीजिए। जश्न आज़ादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पाकिस्तान कौम में जो अवामी जंजीरें थोड़ी थी, जो टूटी थी और एक आज़ाद मुल्क मिला था, उसको सेलिब्रेट, उसको बेहतर अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में और खूब धूम धड़के से मनाना चाहिए और परचम को बुलंद करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम घरों पर, पाकिस्तान के तमाम घरों में परचम लहराए जाने चाहिए। हमें इस आज़ादी को हकीकी मानों में आज़ादी समझ कर मनाना चाहिए और अहद करना चाहिए कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ रहेगा ना जाए और इसको दुआ खैर के साथ मनाना चाहिए। हाई, आई एम उस्मान हाशिमी फ्रॉम सऊदी अरबी एंड सिटी मक्का से और मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों को मेरी तरफ़ से 14 अगस्त सबको मुबारक हो और ख़ास करके जितने भी हमारे मुल्क के लिए शहीद हुए, आर्मी हो, पुलिस हो, जर्नलिस्ट हो, इन सबको और उनकी तमाम फैमिली मेम्बरान को मेरी तरफ़ से 14 अगस्त मुबारक हो। बोले पाकिस्तान, बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। इसको हमें आज़ादी के तौर पे नहीं बल्कि तहजीब अहद के तौर पे मनाना चाहिए, जो हमने उस मौके पे जब ये तहरीक शुरू हुई थी जो वादे कौम से किए थे वो पूरे करने का वक्त है और 75 साल होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए और हमें इसका अदा करना चाहिए और इसको मतलब सोचना चाहिए कि हमें इसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। तो मैं इस मौके पे आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को
बिला तफरीक मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौदह अगस्त मनाने के लिए सबसे पहले ये बात रखना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हम क्या थे। अगर किस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख लें तो फिर तो 14 अगस्त मनाने का फायदा है, वरना आज़ादी कौन सी आज़ादी। हमें सबसे पहले अपने किसने आज़ादी जैसे जिंदा कौम में मनाती वैसे मनानी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल सबसे पहले जो आंसर आता रहा वो ये है कि आप देखिए आपने मुल्क के लिए क्या किया, मुल्क को क्या दिया, आपने मुल्क के जो नजरियाती एहसास है आपने उसके लिए क्या किया, आपने कायदा से मोहम्मद जिन्ना के प्रकुदात पर कितना बल किया, जमहूरियत के लिए क्या किया, कानून की पासदारी कितनी की है, आइन और कानून के लिए कितनी आवाज़ उठाई है। और अपने हकूक की बात तो आप करेंगे लेकिन दूसरों के हकूक का आपने कितना ख्याल रखा है ये भी देखना चाहिए। नारों पे नहीं जाना चाहिए कि आप जो है दिल फ्रेम नारों पे चले जाएँ, खुद एहतसाबी करना चाहिए। 16 अगस्त एक हमें याद दिलाता है कि हम आज़ादी रह गए हैं, आज़ादी बड़ी नेमत है। अगर आपको नहीं मालूम उन लोगों से उन मुल्क से पूछे जो गुलामी की जिंदगी के साथ, ये मुल्क हमारा है, इसी को हमने संवारना है, किसी के पीछे ना लगे, किसी सियासतदान के पीछे ना लगे, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें और अपने इर्द गिर्द उन लोगों को पर भी नज़र रखें जिनको आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त 14 अगस्त की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हुई हैं, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, बच्चे रातों को निकल के गड्ढे लेके फिर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, हर बंदा अपने स्टाइल से जो है वो 14 अगस्त मना रहा है। मैं इस 14 अगस्त के हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है वो इस मुल्क की के लिए जो जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद के लिए उस मकसद की तरफ आएँ, उसकी जदोजहद करें और हम हकीकी जो आज़ादी है जिसके जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने की क़यादत में लाखों कुर्बानियाँ दी गई, उन कुर्बानियों का ना भूला जाए और उनको याद रखा जाए। 14 अगस्त तुम जोशो खरोज ना जरूर मनाओ लेकिन किसी को तंग ना करो, भूपू ना बजाओ, मोटरसाइकिल से सिलेंसर ना कटो, आराम से 14 अगस्त मनाओ, एक दूसरे को मुबारकबाद दो, मिठाई खवाओ, जलेबियाँ खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, बर्फी भी खवाओ लेकिन किसी को तंग ना करो। मेरा 14 अगस्त का यही पैगाम है लोगों वास्ते भी कि यह पैगाम घर घर पहुँचाओ। मेरा नाम फारूक अयूबी है और मैं DMH न्यूज़ का कैमरामैन हूँ। मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही रखे और हमारे पाकिस्तान को सही सलामत रखे, हमारी दुआएं हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ इस तक करें। अब सबसे बड़े 17 अगस्त मनाएं, उनकी कुर्बानियों को ज़ाया मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मोहित अंकित है और आज के दिन हमारा पाकिस्तान मुल्क आजाद हुआ था। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेब अंकित है और आज हमारे लिए बहुत खुशी कर रहे हैं। कायदे आज़म का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ादी दी। हमारे बुजुर्ग ने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और हम लोग सिर्फ ये कहना चाहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, आप इस आज़ादी के मौका पर तमाम पाकिस्तानी इस मुल्क को हमेशा सलामत रहने के लिए और इस सरजमीन पर रोशन सितारे की तरह जगमगाता रहने के लिए अल्लाह के हजूर सर्वे सजूद होकर दुआ करें ताकि मुल्क व कौम के तमाम दुश्मन और उनके इरादे पमाल। खुदा हाफिज़।